बिजनौर पुलिस ने पेट्रोल पंप के मुंशी से लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बता दें कि 27 जनवरी को पेट्रोल पंप के मुंशी से चाकू की नोक पर इन बदमाशों ने 4,00,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना को लेकर पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम इन लुटेरों को पकड़ने के लिए लगी हुई थी। यह घटना कीरतपुर थाना क्षेत्र की मालन नदी के पुल के पास की है। जांच में जुटी पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला था, जिनके बाद पुलिस ने इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं घटना में शामिल 2 लुटेरे विनय और आकाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने लूटी हुई रकम में से 1,20,000 रुपए बरामद कर लिया है। लुटेरे के पास से 2 बाइक और 2 चाकू भी बरामद किए हैं। 27 जनवरी को एक पेट्रोल पंप के मुरीन से 4,05,500 रुपये की लूट हुई थी, थाना कीरतपुर अंतर्गत। उसमें आज 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, 2 फरार हैं। 1,20,000 रुपये की बरामदगी है। इन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने से पहले कोतवाली थाना में एक मोटरसाइकिल चोरी की थी और उस चोरी की मोटरसाइकिल के साथ जो है इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। 2 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। अवैध तमंचे, चाकू, घटना में प्रयुक्त जो भी असलहे थे वो सब बरामद कर लिए गए हैं।